ए बी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का इस वीडियो का टॉपिक है वह बीएड में नामांकन से संबंधित है। आज बहुत सारे विद्यार्थी असमंजस में है कि जो 2019 में बीएड में नामांकन होगा वो 2 साल का होगा या 4 साल का होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बीएड के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो अपने यूट्यूब पर बहुत दिन से लगभग 6 महीने से बताते जा रहे हैं कि जो 2019 में नामांकन होगा उसमें बीएड 4 साल का होगा, लेकिन ये उनकी जानकारी बिल्कुल ही गलत है। आजकल बहुत से लोगों को जो है किसी चीज़ के बारे में एक्सपर्ट जानकारी नहीं रहती है, अच्छी जानकारी रहती नहीं है, बिना मतलब का कुछ भी यूट्यूब पर चैनल बना देते हैं और उसकी जानकारी जो है अपलोड कर देते हैं, जिससे विद्यार्थी दिग्भ्रमित होते हैं। यह जानकारी कम से कम 4 महीना पहले ही हम अपने ए बी जानकारी यूट्यूब चैनल पर जो बीएड स्पेशलिस्ट है अपलोड कर चुके हैं कि बीएड में जो 2019 में नामांकन होगा वो 2 साल का ही होगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वीडियो बनाया गया है 3 महीना पहले का है और जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो 2019 में बीएड में नामांकन होगा वो निश्चित रूप से 2 साल का होगा। बहुत से लोग जो है दिग्भ्रमित करके बता रहे हैं कि बीएड जो 2019 में नामांकन होगा वो 4 साल का होगा। ये जानकारी अब पेपर में भी स्पष्ट रूप से आ चुका है और ये स्क्रीन पर भी हमारे अभी आप देख सकते हैं कि 2019 में जो बीएड में नामांकन होगा वो ओनली 2 साल का होगा, न कि 4 साल का होगा। जो यूट्यूब चैनल बता रहे हैं कि 2 साल का नहीं 4 साल का बीएड होगा, अब उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो फास्ट न्यूज़ फैला रहे हैं। तो अब हम चलते हैं पूरी विशेष रूप से जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जो इस प्रकार है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि 2 साल का ही होगा बीएड। एनसीटीई ने 4 वर्षीय प्रस्तावित प्रोग्राम को किया स्थगित। आगे जानकारी इस प्रकार है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश भर में संचालित हजारों बीएड कॉलेज व डीएड संस्थान बंद नहीं होंगे। इनमें 2 वर्षीय डिग्री व डिप्लोमा पूर्व की तरह चलेंगे। देश में चले भारी विरोध के कारण नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने 4 वर्ष के प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को अपने ऑनलाइन पोर्टल से हटा दिया है। अब आगामी निर्देशों तक कोई भी संस्थान 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। हिमाचल प्रदेश के 74 बीएड कॉलेज, 25 जेपीटी संस्थानों सहित देश भर के करीब 18,000 कॉलेजों में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पहले की तरह ही चलेंगे। भविष्य में यदि मानव संसाधन मंत्रालय 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए आवेदन मांगता है तो डिग्री कॉलेजों के साथ साथ कोई भी अन्य संस्थान इसके लिए आवेदन कर सकेगा। एनसीटीई ने कुछ समय पूर्व जमा 2 यानी कि 10+2 कक्षा के बाद स्नातकोत्तर के साथ साथ बीएड की डिग्री देने का 4 वर्षीय कोर्स शुरू करने की घोषणा की थी। उसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद ने 3 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इच्छुक छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। एनसीटी के निर्धारित नियमों के अनुसार जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी 4 वर्षीय कोर्स चलाना चाहते थे उनको आवेदन करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई भी संस्थान इसके लिए आवेदन नहीं किया। अंत में एनसीटी को निरस्त करना पड़ा। अब स्पष्ट हो चुका है कि जो 2019 में बीएड में नामांकन होगा वह ओनली जो है केवल 2 साल का होगा। तो इसी प्रकार बीएड से संबंधित सटीक सही जब जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपडेट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, फास्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसी ए बी जानकारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को समापन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।